गाइस वेलकम टू सुडोसी मेंटर्स। हियर इज एन अपडेट फ्रॉम आईएम अहमदाबाद एज फार एज द शॉर्टलिस्ट इज कंसर्न। ये पहले भी एक बार ही आया था बट उस टाइम पे एक्चुअली द अपडेट वाज लिटिल डिफरेंट एंड नाउ वी हैव सम एडिशन टू इट। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। पहली बार CAT 2021 had allowed the committee of CAT 21 had allowed candidates to take CAT 21 without requiring any minimum percentage in the bachelor degree। नाउ ये हमें पता है ये हुआ था जब CAT का जब एप्लीकेशन आउट हुआ था। So because of COVID, a lot of institutes were not able to conduct their examinations. So जो graduation का जो basic percentage requirement था वो बच्चों के पास नहीं था। So Ahmedabad said that, oh, you know what, even if you don't have it, you can go for CAT and you can, you know, appear for CAT. Now that's done and dusted. Now there is something which is coming after this, which says that on account of this entire pandemic situation, the admissions committee at IIMA decided to do away with bachelor's degree component. Now this is very important. Right, so IIMA has decided to get away with the bachelor's degree component. Now, from the shortlisting criteria and to apply it uniformly to all the candidates, it means के पहले जब 10th, 12th और graduation जो होता था, for example वो जो AC वाला जो फंडा था academic criteria, आपने मेरे बहुत सारे videos में देखा होगा जहाँ पे हम arts, commerce, science के बारे में बात करते थे कि आपको graduation में कितना मिलेगा, right? So वो वाला जो फंडा है वो अभी निकल चुका है। This is what this entire line talks about. The AR, the academic criteria, now will be computed on a scale of 25, considering class 10th marks, 12th marks, and candidates work experience if you have any. Huh? So again, there is one more thing, and the points will be prorated to 35. एक normal criteria क्या था IIM Ahmedabad का पहले कि आपका जो CAT का जो weightage है उसको आप 65% का weightage दोगे CAT का score को एंड जो भी आपका एकेडमिक्स वगैरह है उसको आप 35% का वेटेज दोगे। दैट्स हाउ इट कम्स टू 100%। उसके बाद आपको कॉल्स आ जाएगी AWT एंड पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। उसके बाद आपका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, जैसे CAT का क्राइटेरिया विल बी यू नो फ्रॉम 65 से लेके वो 25-30% तक जाता है एंड देन यू हैव राउंड अबाउट PI विच इज क्लोज टू 48% समथिंग लाइक दैट। बट नाउ दे आर सेइंग दैट दे विल नॉट बी कंसिडरिंग ग्रेजुएशन का स्कोर एट ऑल इन द फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग। सो हियर इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ पहले जो कंपोजिट स्कोर आपका आउट ऑफ 35% होता था, एग्जैक्ट 35% होता था, अभी वो 25 ही होगा और आपको प्रोरेटा बेसिस पे 35 पे मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? सो वेदर यू हैव योर ग्रेजुएशन परसेंटेज विथ यू और नॉट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेजुएशन का स्कोर एट ऑल। तो आपका 10th और 12th और अगर आपका वर्किंग्स है, ये तीन क्राइटेरियाज को पकड़ के ही IIM Ahmedabad शॉर्टलिस्ट निकालने वाला है। नाउ होगा कैसे? मान लो अगर आपका 10th और 12th का स्कोर अगर आपका जो भी अगर मैं बात करूँ पूरा 10, 12 एंड वर्क पकड़ के अगर वो 15 आता है ऑन 25, सो इफ इट्स 15 ऑन 25 दे विल प्रोरेटेड टू 35, देन इफ इट्स 15 ऑन 25 देन ऑन 35 वी शुड बी एबल टू गेट क्लोज टू 21 का पॉइंटर्स। सो दिस इज नाउ दे विल बी नाउ डूइंग इट एंड हियर दे हैव शोन द कैलकुलेशन। इट्स अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, नाउ कम्स द वर्ड इट कि यू नो इज दिस अ गुड मूव और नॉट। नाउ अगेन मुझे लगता है कि ये स्लाइट डिसएडवांटेज होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे स्कोर करे थे, और ये एडवांटेज हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनका 10th और 12th बहुत अच्छा था और ग्रेजुएशन में शायद से थोड़ा सा उनका स्कोर कम हो गया होगा। इट्स एन एडवांटेज फॉर देम। बट हैविंग सेड दिस गाइस, व्हाट आई बिलीव द कोर ऑफ IIM Ahmedabad विच इज़ द डाइवर्सिटी, राइट, विच इज़ जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी, आई थिंक दे विल कीप इट इंटैक्ट। Because I spoke to a couple of students on the campus itself, so the verdict like what they feel is that कि अगर आप IIM Ahmedabad का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन अगर आप निकाल देते हो और अगर आप सेम लेवल पे चलते हो तो अहमदाबाद और कैलकाटा का जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें कुछ फर्क नहीं होगा, राइट, एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी श्योर दैट दे विल बी कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी फैक्टर। बिकॉज अगर हम बात करेंगे you might say that कि यार मैं नॉन इंजीनियर है, मेरे लिए तो लॉस है। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस है, बट नॉन इंजीनियर तुम 11th और 12th के लिए भी थे। सो इफ़ यू वर इन आर्ट्स कैटेगरी और कॉमर्स कैटेगरी और साइंस कैटेगरी आपको उसका मार्क्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी एकेडमिक क्राइटेरिया, राइट। सो दिस इज वॉट IIM Ahmedabad इज टॉकिंग कैटेगोरिकली। सो नाउ ऑनवर्ड्स रादर फॉर द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट दे विल नॉट बी कंसिडरिंग योर स्कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन ओनली। आपका 10th, 12th और वर्किंग्स का स्कोर आएगा उसको 25% पे कैलकुलेट करा जाएगा और जो भी स्कोर आएगा उसको प्रोरेट करा जाएगा 35 पे। तो वैसे देखा जाए तो जो पहला था वैसे ही होगा 65 and 35, राइट, 65 and 35। इट इज दैट 25 पे कैलकुलेट करके उसको खींचेंगे 35 तक। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन कि जब सेकंड आपका लिस्ट आता है
जहाँ पे हम बात करते हैं एंटर क्राइटेरिया के बारे में, जहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो ओवरऑल जो वेटेज दिया जाता है, वन सेकेंड लेट मी जस्ट शो इट टू यू. ओके सो इफ यू चेक इन योर, आपका जो ओवरऑल वेटेज होता है कैट का, नाउ हियर इज द थिंग राइट, इट गोज टू 25%, पर्सनल इंटरव्यू इज राउंड अबाउट 50%, AWT इज 10%, एंड दिस कम्स योर एप्लीकेशन रेटिंग विच इज AR, दिस विल बी 0.15, दैट्स राउंड अबाउट 15%. सो ये जब कैलकुलेट होगा क्या इसमें ग्रेजुएशन का स्कोर आएगा या नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है 99.99% इसमें वो ग्रेजुएशन का स्कोर नहीं आएगा. मोस्टली जो 35 पे कैलकुलेट करा था वही यहाँ पे 15 में वो फैक्टर इन हो जाएगा. बट अगेन यू विल हैव ह्यूज वेटेज विच इज गिवन टू योर PI एंड VAT, दैट्स क्लोज टू 60%. नाउ दिस माइट चेंज लिटिल बिट यू नो योर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया और द लैंडस्केप ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग. अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेट एंड वॉच. मुझे लगता है मे बी बिकॉज ऑफ दिस द रिजल्ट्स आर गेटिंग डिलेड फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बिकॉज लास्ट ईयर 13 January को शॉर्ट लिस्ट आया था, टुडे इट्स 18 January एंड वी स्टिल हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम देम. आई थिंक बाय दिस संडे देर शुड बी अ शॉर्ट लिस्ट कमिंग फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बिकॉज वी विल बी टचिंग अराउंड अबाउट 21st or 22nd of January. इतना लेट नहीं हो सकता है. आई थिंक दे शुड बी यू नो गिविंग यू द शॉर्ट लिस्ट बाई एंड ऑफ दिस वीक. सो गाइज हियर दिस इज जस्ट एन अपडेट दैट आई वॉन्टेड टू यू नो हैव यू गाइज इंट्रोड्यूस टू. अगर इसके ऊपर आपको कुछ कमेंट है, सजेशन है, फिर यू हैव योर ओन टेक, यू कैन पुट द कमेंट ओवर हियर. ओके दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, कीप यूर सेल्फ नोटेड. बाय द वे इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल कैंडी सब्सक्राइब, ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आती रहेगी एंड वी विल कीप यू अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू द VAT PI प्रोसेस ऑफ ऑल द IIMs, ऑल द नॉन IIMs, एंड विल कीप यू गाइडिंग. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच.